राज पेशकश में आपका स्वागत है और हम आपको दिखाएंगे 8-pack abs का राज और हमारे साथ जिम ट्रेनर भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। लेकिन उससे पहले अपनी हर फिल्म में एक्शन के जलवे बिखेरने वाले सलमान खान ने दिया है ऐसा बयान जिसे सुनकर उनके फैंस कुछ निराश हो सकते हैं। सलमान ने कहा है कि एक्शन फिल्में करने की वजह से उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक टाइगर हूँ और इसलिए स्वस्थ नहीं हूँ। जैसे वाले तमाम बातें उन्होंने कही है, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो गिरने और कूदने जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे दिन इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर आपके शरीर पर इसका असर पड़ता है और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। यहाँ पर आपको ये भी याद दिला दें कि सलमान को फेशियल सर्जरी के लिए कुछ समय पहले अमेरिका भी जाना पड़ा था। मैं एक टाइगर हूं इसीलिए स्वस्थ नहीं हूं, इस तरह के बहाने मैं नहीं बना सकता, ये कहना है सलमान खान का। दिन भर एक्शन से शरीर को पर असर पड़ता है और इसकी कीमत शरीर को चुकानी पड़ती है। पुलिस वाले को ठुकने का अंजाम पता है क्या? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से, और उसी पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। हमारे साथ जिम ट्रेनर अमरिंदर हैं। सलमान ने कहा है कि बहुत ज्यादा एक्शन फिल्में करने से शरीर पर असर पड़ता है, क्या वाकई पड़ता है? आपको क्या लगता है? यू कैन से पड़ सकता है, क्योंकि यू नो हमारी बॉडी जो है इट्स नोन एज ह्यूमन बायोमैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं। यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बायोमैकेनिक्स, जो हमारे जॉइंट्स जिस डायरेक्शन के लिए यूज करने के लिए बने हुए हैं। इफ यू आर एक्सीडिंग दैट थिंग फॉर योर ओन सम बेनिफिट, ऑफ कोर्स द इंजरीज आर क्वाइट प्रॉन टू यू। सो इसीलिए इंजरीज आने का बहुत ज्यादा मेजर जो रोल होता है। दैट्स एक्चुअली व्हेन यू गोइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ योर टॉलरेंस व्हिच द ह्यूमन बॉडी इज मेड एंड यू गोइंग बियॉन्ड। So of course injuries are part of और उसके लिए आपको खुद को फिट रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। Of course that is a big mistake which is happening, क्योंकि new guys coming into the gym और they start training themselves vigorously और they don't know about the biomechanics of the human body, so वो अपने आप को एक injury rate में लेके जाना शुरू कर देते हैं और immediately they turn up into injuries and physios के पास आना जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से सलमान ने ये बात कही है कि अब बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, ऑन एंड ऑफ खुद को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है? सी इनिशियली अगर हम किसी भी फिटनेस, अगर टॉप फिटनेस लेवल की भी बात करें, तो यू नो यू नीड जस्ट 45 to 50 और मैक्सिमम 1 hour ऑफ ट्रेनिंग, विगरस एक्सरसाइज विच यू कैन कॉल इट, बट नॉट दैट 3, 4, 5 hours ऑफ विगरस ट्रेनिंग किसी को भी जरूरत नहीं होती है। जस्ट नीड अ नाइस ट्रेनिंग फॉर 50 to 1 hour एंड यू आर थ्रू विद ऑल ट्रेनिंग। एंड सलमान खान इज अ ग्रेट पर्सन, ही हैज बीन ट्रेनिंग सिंस लाइक यू नो मोर देन 22 years नाउ, सो यू कांट कंपेयर इट विद सलमान विद एनी अदर पर्सन। आपको जिस दिन 20 साल ज्यादा हो गया एक्सरसाइज करते हो, देन यू कैन कंपेयर इट विद सलमान खान। अ 1 year गाय कांट कंपेयर विद अ सलमान खान कि आई वांट टू बी लुकिंग लाइक सलमान खान, नॉट पॉसिबल। So you have to be, you know, something looking like a Salman Khan. So you have to devote that much time also for that. What devotion which he puts up for the exercise. So you will be looking like them also. बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप खुद को फिट रखते हैं और आपने कहा कि अगर आप पूरा डेडिकेटेड हैं, तो उसके लिए एक रूटीन और एक शेड्यूल भी मेंटेन करना पड़ता है। Of course that routine is, you see, you need a good routine. आपको खाने का पूरा रूटीन रखना पड़ेगा, आपको सोने का पूरा रूटीन रखना पड़ेगा और एक्सरसाइज जिस चीज के लिए जा रही है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। You can't just unnecessarily do whatever you want to. It's not that. बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शायद सवाल आपसे करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका और सवाल कीजिए। मेरा नाम अजय नागपाल है और मैं पहले तो आज तक को ये बता देता हूँ, ये युवाओं से जो सवाल है और आज की जो युवा जो अपनी शारीरिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं उससे जो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज पेश किया। मैं ट्रेनर जी से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये जो आप ये जो 8-pack बनाने का जो वो है नजरिया, जो उसमें आजकल युवा क्या करते हैं, तरह तरह के पाउडर ले लेते हैं, हम भी उसके में आ जाते हैं, बैकअप में आ जाते हैं, कई बार हम भी ले लेते हैं, क्या कई बार उनसे हमारा साइड इफेक्ट भी होता है क्या? जो आजकल जो जो मार्केट में नए नए प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात ये कर रहे हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसके? यू सी आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट सम अननेचुरल फूड व्हिच इज स्टेरॉइड्स बेसिकली व्हिच इज वेरी कॉमनली बीन यूज्ड इन नॉर्मल ऑल ओवर जिम्स व्हिच इज वेरी वेरी हाईली नॉन रिकमेंडेड फॉर एनी पर्सन हु इज इनटू फिटनेस लाइफस्टाइल। जब हम प्रोटीन शेक्स
की बात करते हैं, इट्स अ नॉर्मल फूड विच एवरी पर्सन इज टेकिंग इट. आप जो सी चीज नेचुरल नहीं खा पा रहे हैं उसको आप एक प्रोटीन की तरह, एक प्रोटीन के फॉर्म में ले पा रहे हैं. इट्स लाइक सेइंग आई एम नॉट एबल टू टेक एनीथिंग, तो मैंने बॉर्नविटा का डब्बा लिया, तो इट्स नॉट, यू कांट से दैट बॉर्नविटा इज अ यू नो इंजूरियस फूड. बट ऑफकोर्स जितने भी स्टीरॉइड्स यूज होते हैं they are highly not recommended, so people should not go for any such thing to make that six pack or eight pack whichever you want in it. So just be away from all that. ek aur caller hai vikas, vikas sawal puchhiye apna. sir ye eight pack mein banana iske liye kya karna padega? dekhiye कितना क्रेज है युवाओं में कि एट पैक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. यू सी एट पैक सिक्स पैक कुछ नहीं होता है, दिस इज ओनली वन पैक विच इज नोन एज एब्डोम. ये हमारा जो सब सेंटर पैक है जिसको हम एक ही पैक बोलते हैं, जिसको हम रेक्टस एब्डोमिनस का मसल बोलते हैं. इट्स ओनली दैट बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत नीचे होने के कारण द विजिबिलिटी ऑफ दैट होल पैक इज क्वाइट विजिबल. कहीं में वो फोर विजिबल होता है, कहीं में सिक्स होता है. एंड व्हेन द बॉडी फैट परसेंटेज कम्स टू अ सिंगल यूनिट आपका वो एट विजिबल होना शुरू हो जाता है. एंड यू हैव टू फॉर क्रिएट ओवर ऑल दैट थिंग आपको एक अच्छी सी रूटीन में आना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. स्ट्रेट अवे यू कांट बिल्ड अप दैट एट पैक और आप मैदान में नहीं आ सकते. आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा क्रेज है युवाओं में इसको लेकर. जो भी कोई जिम आता है आप पूछते हैं, हाँ जी आपका टारगेट क्या है जी, एट पैक है, सिक्स पैक है, हर कोई यही कहता है ना. Of course, कहता है, but you know, it's like saying कि कोई आके हमको बोल रहा है कि मेरे को you know, डॉक्टर बनना, when I am in first class, you know, मेरे को डॉक्टरी करनी है. So you can't straight away say that डॉक्टरी बननी है. You have to cross that second, third, fourth, fifth, second, third, and you know, go to a higher education, and then only you can become a you know doctor. So you, how can you? You're talking about eight pack, which is actually a master point in exercise. You can't create that thing in just months and you know. बिल्कुल ये चीज़ clear कीजिए कि कितना समय लगता है अगर आप, क्योंकि युवाओं में बहुत ज़्यादा craze है और 10th, 12th के बाद तो स्टूडेंट्स जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं शाहरुख या सलमान ही लगूं पहले दिन, तो उसके लिए वो साल 6 महीने पहले से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं. दे कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइजेस वेरी अर्ली विद द एज ऑफ अराउंड 14, 15 से भी शुरू कर सकते हैं. बट 14, 15 जैसे एक बच्चा एक प्रिपेटरी स्कूल में लर्निंग करने के लिए जाता है, ऐसे ही आप जब एक्सरसाइज करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हो तो इट शुड बी मोर ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग सिस्टम. व्हाट एक्सरसाइज, हाउ टू डू दैट एक्सरसाइज, राइट वेट टू बी लिफ्टेड रिगार्डिंग दैट एक्सरसाइज, व्हाई आर यू डूइंग दैट एक्सरसाइज, what food are you supposed to take that particular exercise, wo food aapke liye kya benefit karega. These are the education system which a person should take initially rather than heading towards any such thing ki mere ko pass karwa do, padhne ki zarurat nahi mere ko. ji chaliye caller hai Tughlakabad se, ji sawal puchhiye apna. hello ji. haan sir, main ye janna chahta hu, jaise mera weight 100 plus hai aur main abhi kafi exercise bhi karta hu, to thoda पेट में थोड़ा कुछ ज्यादा ही है, तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से लोगों में और खासकर गर्ल्स में सबसे ज्यादा, लेडीज में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है. मुझे लगता है मैक्सिमम लेडीज जो ज्वाइन करती हैं जिम उनका टारगेट यही रहता है. ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी बिग 100% ना बोल के 99.9% पॉपुलेशन बोलूंगा जो इस कैटेगरीज में आती हैं. एंड दे स्ट्रेट अवे गो टू अ कार्डियो रूम और ट्रेडमिल के ऊपर बहुत भागना झूकना शुरू कर देती हैं जस्ट टू क्रिएट दैट व्हाट दे वॉन्ट टू. बट आई एम टेलिंग यू सीरियसली, जयपुर के हाईवे में चंडीगढ़ नहीं आएगा. सो यू गोइंग टू बी डिमोरलाइज्ड आफ्टर 6 months, 7 months. यू विल सी मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज क्विटिंग द जिम आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड सेइंग कुछ होता तो है नहीं, हम जाते हैं कुछ नहीं होता. सो यू हैव टू क्रिएट सर्टेन थिंग एंड प्रिंसिपल्स को आपके लिए लेना पड़ेगा. यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस. आई एम गिविंग यू वन टिप ऑफ दैट फिटनेस प्रिंसिपल, दैट इन ऑर्डर टू शेड द फैट एरिया ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी यू हैव टू बिल्ड अप अ मसल इनसाइड द बॉडी. वंस यू क्रिएट अ मसल इनसाइड द बॉडी द फैट विल स्टार्ट शेडिंग ऑटोमेटिकली डाउन फ्रॉम योर बॉडी. चले कुछ और टिप्स हम जानेंगे अमरिंदर से, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. तो बात हम कर रहे हैं एट पैक एप्स की, जिसका क्रेज सबसे ज्यादा है युवाओं में, और जिम ट्रेनर अमरिंदर हमारे साथ हैं जिनसे चर्चा करेंगे. लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब सलमान खान को फेशियल सर्जरी के लिए अमेरिका जाना पड़ा था, और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से खुद को फिट रखने के लिए सलमान खान इस तरह की सर्जरी के लिए गए, और साथ ही साथ अब वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं. जी हाँ, बॉलीवुड का बॉडीगार्ड वापस आ गया है. करीब 30 दिन बाद सलमान ने दोबारा बॉलीवुड की धरती पर कदम रखा तो मीडिया में खलबली मच गई. सलमान की
की एक झलक को कैद करने के लिए कैमरे बेताब हो उठे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी और वो थी बॉलीवुड के बॉडीगार्ड के वापस आने की। लाल रंग की चेक शर्ट पहने सलमान जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए सलमान ने अपने मुंह से अपनी सलामती की खबर सुनाई। गुड गुड अरे पर आई एम गुड 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 अरे पर आई एम गुड 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 अरे पर आई एम गुड। सलमान के चेहरे से दर्द गायब था। लगता है सर्जरी के बाद वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इस दौरान सलमान के साथ साय की तरह चलने वाला उनका बॉडीगार्ड शेरा भी नजर आया। कैमरा की धक्का मुक्की और भागदौड़ के बीच उसी ने सलमान को एयरपोर्ट से बाहर निकाला। मस्ती का मेला है, फूलों का मेला है, यहाँ गुरु भी चेला है, महल बदला है, और शाम का शादी यहाँ अकेला है, और मन की हिल भी सीजन 5 डबल व्हाट। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सलमान लोगों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। इसके बाद सलमान गाड़ी में बैठे और अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए घर के लिए निकल गए। तो एट पैक एप्स का क्रेज कितना बढ़ रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे हीरोज की ही देन है। ऑफ कोर्स बिकॉज शुरू तो करने वाले यही हैं, यू नो द मोटिवेशन अगर हम बात करें तो जनरल पब्लिक को एक फिटनेस का मोटिवेशन देने वाले भी बंदे यही हैं, यू नो। सो मे बी दैट प्रमोशन इज गोइंग टुवर्ड्स अ रॉन्ग साइड, गलत तरफ जा रहा है थोड़ा सा युवाओं की तरफ, बट स्टार्ट करने वाले दीज आर द गाइस। चलिए कॉलर हमारे साथ है यमुना व्यास से, सवाल पूछिए। हेलो जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है जी। अभी मैं शो देख रहा था तो मैंने सुना यहाँ पे लिखा हुआ था कि एट पैक ऐप कैसे बना है। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूँ, मैं भी ट्रेनर एज ए काम कर रहा हूँ जी। तो मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है काफी, और मेरे यहाँ से मैंने कोर्स किया है, जो भी बहुत रिसर्च किया है इस बारे में कि सिक्स पैक एप्स और एट पैक एप्स दोनों अलग चीज है। वो जेनेटिक होता है कि अगर किसी के सिक्स पैक है वो तो एट पैक नहीं बना सकता, वो अगर जेनेटिक उसके वो नहीं है उसके अंदर तो जी। और ये मैंने बहुत बार टीवी पे देखा कि शाहरुख बोलता है कि मैं एट पैक एप्स आएंगे, तो जिसके सिक्स पैक है वो एट पैक नहीं बना सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे खास मेहमान जो अमरिंदर है जिम ट्रेनर, वो भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं और दर्शकों को समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं। क्रेज जो है सिक्स पैक या फिर एट पैक एब्स का, वो उसके चक्कर में लोग किस तरीके से अपनी बॉडी को खराब कर लेते हैं, अक्सर देखा गया है। ऑफ कोर्स बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे कि उन्होंने बताया कि सिक्स पैक और एट पैक, यू नो इट्स ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, सारों में होते हैं। दैट्स ओनली जैसे मैंने बोला एक एब्डोमिनल मसल है, विच इज हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल बोल रहे हैं। अगर आठ मसल होते हैं और एट पैक्स होते हैं, उसके एट नाम भी होते हैं। नाम तो एक ही है, विच इज रेक्टस एब्डोमिनस, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एक ही मसल है ये। इट्स ओनली दैट बॉडी फैट परसेंटेज जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे उसकी विजिबिलिटी ज्यादा आती है, एंड व्हेन यू रीच द वन सिंगल डिजिट समवेयर अराउंड 6% 7% की बॉडी फैट परसेंट में जब पहुंचते हैं, देन यू हैव अ क्लियर विजिबिलिटी ऑफ दैट मसल्स व्हिच इज देयर। इट्स सेपरेटेड इन 6 और 8 डिफरेंट लेयर्स, बट एक ही मसल है रेक्टस एब्डोमिनस। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैम अभी मैं 15 इयर्स का हूँ, आई एम इन 10th क्लास राइट नाउ। मेरी हाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। क्या होता है, मेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है, बट क्लास में अगर असेंबली भी है तो सबसे आगे खड़ा हूँ, और किसी से पूछो तो यही बोलेंगे ताड़ासन करो, हाथ बढ़ा लो। और बाकी सब फ्रेंड्स ने जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लिया हाइट के लिए, तो मेरे को जिम ज्वाइन करना चाहिए हाइट के लिए। बिल्कुल अमरिंदर, क्या कहेंगे इनको? ऑफ कोर्स वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन सर, आपने पूछा ये चीज, क्योंकि बहुत क्रूशियल सा क्वेश्चन है ऑल ओवर जनरेशन के लिए हमारे। I tell you very clear point, height has nothing to deal with any exercise, it is totally majority it is dependent upon your genes, aapke mother and father ke upar sara ka sara dependent hai, aur apne aap brain ko aap bahut zyada relax rakhe is cheez ke upar,
क्योंकि आपका जितना भी हाइट इंक्रीमेंट है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन से फ्लरिश होता है एंड ग्रोथ हार्मोन हमारा ब्रेन से रिलीज होता है. द मोर यू टेंस्ड योर ब्रेन द मोर ग्रोथ हार्मोन इज गोइंग टू बी रिलीज लेस और आपका ओवरऑल ग्रोथ कम रह जाएगा. उसमें एक हाइट भी है. ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन जिम एनीथिंग यू कैन डू इट बट आप एक्सरसाइजेस अपनी इंटेंसिटी से करें. आप ज्यादा उठाने की कोशिश नहीं करें बिकॉज एवरी जॉइंट इज बीन लोडेड विद ग्रोथ प्लेट्स और वो ग्रोथ प्लेट्स डिस्ट्रॉय होने का डर होता है. इसलिए आप बहुत अपने लेवल की एक्सरसाइज करें. आप एवरी एक्सरसाइज यू कैन डू इट इनसाइड द जिम बट इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा क्रूशियल देखें. आप लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दें. एक्सरसाइज की वेरिएशंस रखें कोई बात नहीं बट लोड डालने की कोशिश नहीं करें. डोंट वरी अबाउट योर हाइट. आप 18-19 साल तक की उम्र में अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं एंड बी पॉजिटिव इन इंक्रीजिंग द हाइट एंड डेफिनेटली वी विल इंक्रीज योर हाइट. यू कैन डू ऑल एक्सरसाइज. बिल्कुल. कई बार ऐसा होता है हालांकि हर कोई जिम नहीं जा सकता. आप ये कहिए कि या तो किसी के पास समय नहीं या फिर ऐसा होता है कि कई बार बहुत सी दिक्कतें होती हैं जिम नहीं जा सकते. क्या घर बैठ के एक अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है? सी यही क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं क्या घर बैठ के एजुकेशन ली जा सकती है? Whether you have money, इंटरनेट है, ली जा सकती है. No, your school is necessary for the environment. You know, to get motivated on seeing the other person, वो दूसरे बंदे को देख के if he is doing some 10 minutes, he get motivated कि मैं भी 10 minutes की running तो मैं भी कर सकता हूँ. He gets a possibility of doing the things जो उसको लग रहा है ये possible ही नहीं है. But जब वो किसी दूसरे बंदे को देखता है वो ऐसा करता हुआ तो उसको लगता है कि yes, this is quite possible, मैं भी कर सकता हूँ. अकेले में आप जो कर रहे हो वही आपके लिए satisfied है and you think कि यही मैं इससे ज्यादा ऊपर नहीं कर पाऊंगा. इसलिए अगर घर में आप कर रहे हैं तो of course you need a certified trainer coming to your house and training you. But अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो स्टार्ट इंडल्जिंग इन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी टू क्रिएट दैट फिटनेस व्हिच यू वांट. चलिए पालम कॉलोनी से एक और कॉलर है. जी सवाल पूछिए. हेलो. जी हेलो. जी बोलिए हम आपको सुन सकते हैं. या वेरी गुड इवनिंग मैम. जी जी मैम मेरे को सर से ये पूछना था कि मैंने अभी अभी अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करी है बॉडी बनाने के लिए. Right. And since 3 months I'm trying कि मेरा weight gain हो लेकिन to an extent मेरी body का mass gain होना रुक गया. तो मुझे क्या करना चाहिए so that मेरे muscles बढ़े. Even मेरी body की cutting भी अच्छी है लेकिन थोड़ा नाम बढ़ाना है. Sorry pardon me. आपकी बातों से मेरे को लग रहा है कि आप बहुत thin लड़के हैं जो खा खा के मर जाते हैं फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ता. Right. आपकी बॉडी में एक थिननेस क्रिएट रहती है. आप ओवर ईटिंग करने के बावजूद भी आपका बॉडी वेट नीचे ऊपर नहीं बढ़ पाता है. तो सिंगल टिप इज गोइंग टू बी यू हैव टू ईट गुड अमाउंट ऑफ फूड जितना आपकी बॉडी खर्च कर सकती है. इट मीन्स आप एक्सरसाइज में ज्यादा लोडिंग ना करें. थोड़ा सा कम एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें. शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइज रखें. दो दो घंटे की एक्सरसाइज एक्सीड ना करें. आपको लगता है कि मैं 2 घंटे की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा बॉडी वेट बढ़ जाएगा. उसूलन उल्टा हो जाएगा. जस्ट कीप योर एक्सरसाइज 40-45 मिनट्स की इंटेंस एक्सरसाइज करें और ईटिंग हैबिट्स को एवरी 3 आवर्स में खाने की कोशिश करें एंड ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट गेनिंग वेट. अभी सितंबर ऑन होने वाला है. सर्दियां आने वाली हैं और आपको बहुत ईटिंग की बहुत क्रेविंग पड़ेगी और आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा. चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी. एट पैक एप्स की बात हम कर रहे हैं. किस तरीके से आज की जनरेशन फिटनेस फ्रीक होती जा रही है और उस चक्कर में खुद को बर्बाद कर रही है. एग्जैक्ट एक एज कौन सी होनी चाहिए जब आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब आप सोच सकते हैं कि आपको बॉडी बनानी चाहिए? ऑफकोर्स आप जिम किसी भी ऑफकोर्स हम जब जिम की खाली बात करें तो एक जिम का स्पेसिफाइड टाइम अगर हम बोलें तो टीन एज इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट द जिम. आप 14-15 की उम्र में आप शुरू कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बोला आप एक्सरसाइज जब भी शुरू करें तो आप प्रिसाइजली खाली उसकी लर्निंग की तरफ टेक्निक्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहे, परफॉर्मेंस की तरफ ना बढ़े इस एज के ऊपर. वेन यू रीच द ऑप्टिमम लेवल ऑफ 18-19 and cross the teenage, then you can decide about your goal and go ahead. कई बार ऐसा होता है कि ये देखा गया है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं आप अच्छी बॉडी भी बना लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कई लोग के दिमाग में ये भी बात होती है कि अगर हम छोड़ देंगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा हमारी बॉडी पे. Of course, this is very true. अगर जिसने डॉक्टरी कर ली और वो डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो after 5 years he is not going to be a doctor. So आपने अगर अपना फिटनेस लेवल अचीव कर लिया है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज थ्रू आउट योर लाइफ. वेरी वेरी. लेकिन इसका क्या कोई नेगेटिव असर भी होता है? नेगेटिव असर कुछ नहीं होता. इट्स ओनली दैट पीपल हु क्रिएट जो अपना वजन गलत तरीके से गिराते हैं
अफकोर्स ऑन लिविंग दे कम बैक विद डबल द अमाउंट्स जो उनसे किया है, और अननेसेसरी तरीके से जिन्होंने किया उसका आफ्टर इफेक्ट अफकोर्स बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारे पेन्स आगे चल के आने शुरू हो जाते हैं और पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जी चलिए, कॉलर हमारे साथ है द्वारका से, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन था ये, मैं बलवंत सिंह बोल रहा हूँ द्वारका से। जी सर, मेरा क्वेश्चन था ये मैम सर से कि जैसे आजकल ट्रेनर्स बोलते हैं कि स्टेरॉइड ले लो आपके एब्स वगैरह जल्दी बन जाएंगे, तो यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए? बिल्कुल, शायद इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, लेकिन आप प्लीज इनके लिए। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई ट्रेनर इस लेवल की राय दे रहा है जर्नल फिटनेस की कैटेगरी में कि आपको एक स्टीरॉयड ले लें और उससे आपकी बॉडी बन जाएगी, प्लीज लीव दैट ट्रेनर इमीडिएटली, बिकॉज ही इज नॉट सपोज्ड टू बी ट्रीटेड एज ट्रेनर। जिसने आपको मिसगाइड किया इस चीज के लिए कि स्टीरॉयड लेके करानी है, तो इट मींस प्लीज डोंट लिसन एनीथिंग टू दैट ट्रेनर। प्लीज आई स्पेशली रिक्वेस्ट एवरी क्लाइंट एंड एवरी मेंबर ओवर हियर, स्टीरॉइड्स के नाम के ऊपर कुछ भी अगर कोई बोला जाए, प्लीज डोंट गो अहेड विद दैट। चलिए एक और हमारे साथ कॉलर है लवली जी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे को ये पूछना था कि मेरा वेट जो है मतलब बढ़ा हुआ है काफी, तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाती है। ये बहुत से लोगों में प्रॉब्लम है, जो ओवरवेट है अगर वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि और बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। ऑफ कोर्स यू सी, अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अगर स्कूल जाके एजुकेशन सिस्टम लिया है और आप बहुत एजुकेटेड हो गए हो, सयाने हो गए हो, उसका बाय डिफॉल्ट पास हो गए कि फेल हो गए, तो यू विल से मी मैं पास हो जाऊंगा। बट अगर आप गलत तरीके से उसको पास कर लिया आपने, उसका डिफॉल्ट एजुकेशन नहीं आएगा। तो इट मींस आप जब जिम जा रहे हो तो इट्स लाइक जॉइनिंग अ स्कूल एनीवेयर, और स्कूल में जाने के ऊपर आप हमेशा फर्स्ट मंथ के ऊपर आप ये नहीं बोल देते मेरा एग्जाम ले लो मेरे को पास कर दो फटाफट। यू हैव टू गो थ्रू, जैसे आप स्कूल जाके ABCD ट्राई करते हो वैसे आप एक्सरसाइज में जब जाते हो, तो जिस तरीकों से आपने अपना वजन गिराना है पहले उसमें अपना लाइफस्टाइल लेके आइए, उसको सीखिए, उसमें एक एंड्योरेंस लाइए, उसमें एक स्टेमिना लाइए, उसमें एक स्ट्रेंथ लेके आइए, देन ओनली यू विल बी अचीविंग द थिंग्स जो आपको चाहिए। इमीडिएटली आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास औजार नहीं है जिसके वजह से हमको वो चीज अचीव करनी है, सो ट्राई टू क्रिएट दैट फर्स्ट। चलिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए, जी मनीष। हाय मैम, दिस इज मनीष फ्रॉम रोहिणी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आई वाज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 7 years और मैं अपने मेरे को पहले काफी इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से मेरा काफी वेट पुटअप हो चुका है, तो मैं अपने एब्स को थोड़ा सा लेके आना चाह रहा था कि वेट मेरा काफी हो चुका है, मतलब मेरी हाइट है 5'8" और मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली 75 kg है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? ऑफ कोर्स द सेम सजेशन इज गोइंग टू कम द एजुकेशन सिस्टम, अगेन मैंने बोला फिटनेस लाइफस्टाइल को लेके आए, इट मींस अगर आपकी एंड्योरेंस 4 minutes की या 5 minutes की आपको चेक करें अपनी एंड्योरेंस, गो टू अ जिम, रन फॉर अराउंड एज मच यू कैन, 2 मिनट 3 मिनट भी अगर आप कर सकते हैं तो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें, 20-25 तक करें, सी हाउ मच इज योर स्ट्रेंथ, कितनी है उस स्ट्रेंथ को आप अपने लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करें। अपनी ईटिंग हैबिट्स में अपने फ्राइड आइटम्स, शुगर आइटम्स को अवॉइड करें, फैट के आइटम को इम्प्रूव करें, टेक गुड अमाउंट ऑफ nice carbohydrates, good quality protein, nice fat also, vitamins, minerals along with, and good amount of water, and exercise rigorously for the sake of improving fitness, not for losing weight. When you do a fitness lifestyle, your weight is automatically going to come down. चलिए आप हमारे साथ आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक, आपका शहर आप तक।